हेलो एवरीवन, विंटर्स आ चुके हैं और इस विंटर क्या आप भी अपने बालों को और भी ज्यादा स्मूथ और स्ट्रांग बनाना चाहते हो? अगर हाँ तो फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसी कौन सी 5 लाइफस्टाइल चेंजिंग हैबिट्स को अपना करके इस विंटर अपने बालों को और भी ज्यादा स्मूथ और स्ट्रांग बना सकते हो। नो मैटर आपके बाल कैसे भी हैं, लाइक अगर आपके बाल कर्ली हैं, रफ हैं, फिजी हैं, सिल्की हैं, स्मूथ हैं, स्ट्रेट हैं, कैसे भी हैं, आप इन कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस को अपना करके विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड में भी अपने बालों को और भी ज्यादा रफ, डैंड्रफ और फिजी होने से बचा सकते हो। सो टिप नंबर 1, कीप योर हेयर्स क्लीन। अपने बालों को आपने साफ रखना है जितना आप रख सकते हैं। साफ रखने से क्या मतलब है, लाइक आपने अपने बाल हर तीसरे दिन वॉश कर लेने हैं। मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ, लाइक ये आइडियल टाइम होता है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड में आप हर दूसरे दिन अपने बाल वॉश नहीं कर सकते, बालों को सुखाने का भी प्रॉब्लम रहता है। लाइक अगर आपके बाल भी मेरी तरह बहुत ज्यादा लंबे हैं तो बालों को सुखाने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है और हमें अपने बालों में बहुत ज्यादा ड्रायर और हीट भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। सो मेरी ट्रिक ये है कि अपने बालों को वॉश करने के बाद आप पहले अपने बाल ड्रायर से हल्का सा ड्राई करो, लाइक 10-20 सेकंड के लिए, एंड देन उसके बाद में आप धूप में जाकर के बैठ सकते हो, जिससे कि आपके बाल भी सूख जाएंगे, प्लस आपको ठंड लगने का भी चांस जो है वो कम हो जाएगा, लाइक आपको कोल्ड वगैरह भी नहीं होगा। तो आपको अपने बालों को हर तीसरे दिन वॉश कर लेना है। कोई भी आप माइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हैं, जस्ट मेक श्योर कि आपके शैम्पू के अंदर बहुत ज्यादा हार्श केमिकल्स ना हो। सेकेंड, को अपने बाल स्मूथ रखने हैं। स्मूथ कैसे रखने हैं, आप कोई भी मास्क अप्लाई कर सकते हो बालों को वॉश करने के बाद। नाउ अगर आप चाहो तो आप किसी भी ब्रांड का कोई भी मास्क परचेज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप घर पे भी अपना कोई भी DIY मास्क बना सकते हो। आपको बहुत ज्यादा अगर रॉकेट साइंस में नहीं लगाना है क्या मास्क लगाना है क्या नहीं, आप सिंपली 2-3 चम्मच दही को अपने बालों में अच्छे से मिक्स करके और बालों में अप्लाई कर सकते हो, देन 10-15 मिनट बाद उसको वॉश कर सकते हो। नाउ द थर्ड थिंग इज कि आपको अपने बालों में कम से कम दिन में 2 बार या 3 बार ब्रश करना है। आप अपने बालों में ब्रश यूज कर सकते हो। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फिजी हैं, रफ हैं, तो आप अपने बालों में ये व्हाइट टूथ कॉम यूज कर सकते हो। अगर आपके बाल नॉर्मल है देन ट्राई टू यूज दिस वुडन कॉम। इससे आप अपने बालों में 2-3 बार दिन में आप अपने बाल इससे कॉम कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, आपके बालों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके बालों में बहुत अच्छा रहेगा, और जितना अच्छा आपके बालों में सर में आपका ब्लड सर्कुलेशन रहता है उतना ही आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और आपके हेयर ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ इसके साथ में आप कंबाइन कर सकते हो दिस एड्स का रोजमेरी वाटर। इसके अंदर रोजमेरी है विच क्लेम्स कि ये बालों को और भी ज्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ में आप कंबाइन कर सकते हो दिस रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। नाउ आप क्या कर सकते हो, ये रोजमेरी वाटर के अंदर आप कुछ ड्रॉप्स इस रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का डाल सकते हो, जिससे कि आपको रोजमेरी की एक कंप्लीट गुडनेस मिलेगी। व्हेन यू कंबाइन बोथ ऑफ दीज थिंग्स विद योर हेयर ब्रश, लाइक आपने अपने बालों में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा कर लिया है, उसके बाद में आप अपने बालों में अगर ये अप्लाई करते हो तो इसका जितना भी बेनिफिट है वो आपके बालों में बहुत अच्छे से जाएगा, लाइक आपकी जो स्कैल्प है वो बहुत अच्छे से इसके बेनिफिट्स को एब्जॉर्ब करेगी। नाउ जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, इट इज अबाउट द डीप नरिशमेंट। व्हाट इज मीन बाय डीप नरिशमेंट, आपको अपने बालों में ऑयलिंग करनी है। अब देखिए, ऑयलिंग आप वीक में एक बार कर सकते हो, या अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप एक से ज्यादा बार भी कर सकते हो। आई थिंक वीक में एक बार ही डीप नरिशमेंट ऑयलिंग के थ्रू करना अच्छा रहता है। मेक श्योर जब भी आप बालों में ऑयलिंग करो विंटर्स में, हमेशा जो भी ऑयल आप यूज कर रहे हो उसको आप हल्का सा वार्म करके बहुत ही जेंटली आपको ऑयलिंग करनी है, जेंटली मसाज करनी है। नाउ ऑयल आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। आई पर्सनली यूज दिस वर्जिन कोकोनट ऑयल। इट इज 100% कूल प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल, एंड आई जस्ट कंबाइन इट विथ दिस कैस्टर ऑयल। दिस इज ऑल्सो 100% कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल। दिस इज फ्रॉम गुड वाइब्स एंड दिस इज फ्रॉम मैक्स केयर। जस्ट मेक श्योर कि आपका जो कोकोनट ऑयल है वो आपका वर्जिन कोकोनट ऑयल होना चाहिए, और जो आपका कैस्टर ऑयल है ये भी आपका कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल होना चाहिए। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट कि आप अपने बालों में क्या क्या लगा सकते हो। देखिए, बाहर से आप अपने बालों में कुछ भी लगा लीजिए, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है
तब तक आपके बाल उतने हेल्दी नहीं हो पाएंगे। विंटर की सीजन में आपको जो अपनी डाइट के अंदर चेंजेस लेकर के आने हैं, द फर्स्ट वन, अवॉइड जंक फूड एज मच एज यू कैन। आई नो इट्स वेरी इजी टू से, बट हाँ अगर आप इसको अपनी डाइट के अंदर फॉलो करते हो, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। देखिए समर्स में हमारी एक्टिविटी फिर भी थोड़ी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली विंटर्स के, सो अवॉइड जंक फूड एज मच एज यू कैन। नाउ सेकेंड थिंग, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजीज आप जितने ज्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे, आपका स्किन और आपके जो हेयर्स हैं वो उतनी ही ज्यादा हेल्दी होंगे। तो थर्ड थिंग, आप अपने डाइट के अंदर दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स को यूज कर सकते हो जो कि आपकी स्किन प्लस आपके बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग काम करते हैं। द फर्स्ट वन इज आंवला। आप आंवला को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करो विंटर्स में इन एनी फॉर्म, लाइक आप आंवला कैंडी ले सकते हो, या फिर आप आंवला का मुरब्बा ले सकते हो, या फिर आप आंवला का जूस ले सकते हो। एंड द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज बीट रूट। बीट रूट को भी आपको अपनी डाइट में जरूर से इंक्लूड करना है। आप किसी भी फॉर्म में इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, आप एज अ सैलेड इसको इंक्लूड कर सकते हो, या फिर इफ यू वांट आप बीट रूट और आंवला का मिक्स करके एक जूस तैयार कर सकते हो अगर आप उसको लेते हो। लाइक अगर आप डेली नहीं भी लेना प्रेफर करते, आप वीक में इसको 3 बार ले लीजिए, 2 बार ले लीजिए। और अगर तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स, ताकि सबके बाल इस और भी ज्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो सके। एंड अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हैप्पी विंटर्स।